तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के एक और नई वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज की वीडियो में अपने बनाने वाले हैं वुड फार्म, जो कि काफ़ी ईजी एंड काफ़ी हेल्पफुल रहता है। भाई, आपको पता ही होगा कि यार मैं क्या करने वाला हूँ इस वर्ल्ड के अंदर, एंड उसके लिए मेरे को वुड चाहिए होगा बहुत सारा। ठीक है, वैसे वुड तो मेरे पास पड़ा है बट कम है। ठीक है, एंड लिटरली मेरे को काफ़ी सारा वुड चाहिए होगा। एंड यहाँ पे देख, तो मैंने पिछले एपिसोड में यहाँ पे शिप पाली थी, एंड भाई ये लेआउट बनाने के लिए मेरे को इसकी वुल चाहिए, तो करके मैंने इसको कलर में कर दिया था। तो हाँ गाइस, अपने आज के एपिसोड में वुड फार्म बनाएंगे, एंड मैं जल्दी से अपना सारा सारा सामान लेके एंड जिस जगह पे बनाना है उसी जगह पे मिलता हूँ। ठीक है, ठीक है। और भाई, क्या मुझे टॉप 5 शेडर पे भी वीडियो बनानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना, मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा अगर आपका कमेंट आता है तो। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ लिटरली, एंड यहाँ पे अपने को सामने साइड मेरा बेस है वहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे अपने को 14x14 का एक एरिया बनाना है। ठीक है, एंड जल्दी से मैं वो बनाने के बाद आपसे मिलता हूँ। वैसे 2 हो गया ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो गाइस, ये 14 हो चुका है। इस साइड को अपने खींचना है इसको 13 ब्लॉक। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। गाइस, ये हो चुका है। एंड अपने को इस साइड को भी 13 खींचना है, एंड उस साइड को अपने को 12 खींचना है। तो ये मैं करके आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ऑल राइट गाइस, ये हो चुका है। एंड अब अपने को एक काम करना है, इसको ना एक ब्लॉक और ऊपर करना, मतलब इसकी हाइट 2 ब्लॉक करनी है। ठीक है, तो यार ये भी करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, ऑल राइट गाइस, ये अपना 2 ब्लॉक हाइट हो चुकी है इसकी। एंड अब अपने को देखना पड़ेगा कि इसका फेस किस साइड को रखना है। ठीक है, एंड जैसे कि मैं मेरे बेस की साइड फेस रखूँगा, तो इस साइड को अपने को वेट इसको तोड़ना है। तो यहाँ से इसको 3 ब्लॉक आगे की साइड यहाँ पे ब्लॉक पे लेस करना है, मतलब 3-3 ब्लॉक प्लेस करना है। ठीक है, तो ये करते हैं पहले 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो गाइस, ये करने के बाद आपको सारा सारे एरिया क्लियर करते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, आपसे ऑल राइट गाइस, ये अपना हो चुका है। एंड आपको कुछ ऐसा करना है, ठीक है, एंड इस साइड से अपने को ना ये यहाँ से इसको सभी को तोड़ना, मतलब 2 ब्लॉक की हाइट करनी है। वैसे इसको मतलब 2 ब्लॉक डिक करना है इसको, तो ये करते हैं, यहाँ से भी कर देते हैं। ठीक है, एंड गाइस, ये होने के बाद ना आपको वेट यहाँ पे ना इस साइड को 3 ब्लॉक प्लेस करने हैं। ठीक है, कोई भी ब्लॉक प्लेस करता मैं तो डर्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि नीचे डर्ट आने की। ठीक है, एंड अपना ये काम हो चुका है। एंड यहाँ पे काम करते हैं अपने ना, इस कॉर्नर पे यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा देते हैं, कुछ यहाँ पे आएंगी, 3 सीढ़ियाँ लगेंगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से अपने बाहर जा सकते हैं, और यहाँ पे उस साइड को सीढ़ियाँ ना, तो यहाँ से अपने को इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पे बनेगा अपना कलेक्शन एरिया। एंड इसको भाई थोड़ा सा मतलब खुला बनाना पड़ेगा, ताकि यार अपना मतलब कि आना जाना लगा रहे हैं। ठीक है, एंड भाई कम जगह में यार थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा फील होता है। ठीक है, तो इसको पूरा खुला खुला बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, एंड एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये देखो कि ये आ रहा है। ठीक है, एंड अब अपने को यहाँ पे इसको भी तोड़ देते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं, ताकि जा सकें। एंड यहाँ से थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हो वैसे करना चाहो तो। ठीक है, मैं बता सकता हूँ क्यों, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे अपने को चाहिए होगी अब चेस्ट, पहले यहाँ पे ये सीढ़ियाँ लगा देते हैं, एंड अब चाहिए अपने को चेस्ट। ठीक है, तो मैं एक ही चेस्ट यूज़ करूँगा, मतलब एक डबल चेस्ट यूज़ करूँगा। तो इसको यहाँ पे इस साइड को प्लेस करना है, एंड आपको उस साइड को जाना है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद आप क्राउच होके चेस्ट पे आपको हॉपर प्लेस करना है। वेट, एक सेकंड मैं बता दूँ कैसे करना है आपको ना, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद को यहाँ से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये आ रहा है मेरे कमरे। तो ये होने के बाद आपको सभी के सभी यहाँ पे जो एरिया अपने खोदा था ना भाई, इसको फिल करना है। एंड ये होने के बाद अपना यहाँ का काम सारा सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं बस। तो यहाँ पे अपने चेस्ट के ऊपर लगेंगे 2 ग्लास। ठीक है, क्योंकि यार ग्लास ही लगाना, क्योंकि यार ग्लास से अपने चेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइस, अपने को इस गड्ढे से 2 ब्लॉक छोड़ के, ठीक है, 2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे अपने को सीढ़ियाँ प्लेस करनी है। एंड उसके साथ ही में 1 ब्लॉक इस साइड को आना है, एंड यहाँ पे भी अपने कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने को इस साइड को 5 ब्लॉक प्लेस करना है। आई थिंक करते हैं पहले, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो गाइस, ये 5 हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आपने को 4 ब्लॉक आगे डर्ट प्लेस करनी है, वो भी कैसे बता देता हूँ। एंड सिंपली 2 आगे, एंड इसके इस साइड में 2 आपको प्लेस करनी है। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा आपका प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये होने के बाद आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे गाइस इसको ना 31 ब्लॉक की हाइट करनी है इसकी। ठीक है, ऊपर इसको 31 लेके जाना है। तो यार ये भी करते हैं, बट पहले ना यहाँ पे अपने पानी डाल देते हैं, ताकि मैं ऊपर से जंप करूँगा तो यहाँ पे गिरूँगा। ठीक है, ताकि यार जान नहीं जाएगी मेरी। ओके, तो यहाँ पे अपने 31 ब्लॉक खींचते हैं इसको पहले। ठीक है, एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ ऊपर, एंड लिटरली 31 ब्लॉक की हाइट है। ठीक है, एंड यहाँ से अपने को नीचे जंप करना है। वेट, यहाँ पे इस साइड को मेरा घर है। ठीक है,
तो यार ये ऊपर से कुछ ऐसा लग रहा है अपना फॉर्म दे भाई काफी यार ऊपर आ चुका हूँ मैं। ओ भाई भाई भाई, भाई। शिट यार गाइस, दोबारा से वहाँ पे जाके मिलते हैं आपसे ठीक है भाई। पानी गिरा बट वो भी मैंने दूसरी साइड, क्या ही अजीब बंदा हूँ भाई मैं। ऑल राइट गाइस, तो अपने सारे सारे सामान कलेक्ट कर लिया एंड इस साइड को आपको क्या करना है, इस साइड को ना कोविड मैंने को यहाँ पे नहीं लगाना था, ये यहाँ पे लगाना था ठीक है। एंड लगाओ तो लगा सकते हो ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली इस जो आपने पिलर बनाया ना 31, इसको अपने को सीढ़ियों से फिल करना है ठीक है, मतलब सीढ़ियाँ लगानी इसके ऊपर एंड इस साइड को अपने को ब्लॉक प्लेस करना है ऊपर 31 तक ठीक है। एंड जल्दी से ये करते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं भाई। अब तो गिरने का कोई चांस नहीं है क्योंकि यार एक साइड में ब्लॉक है एंड भाई ब्लॉक इसलिए ताकि यार अपने ऊपर चढ़े ना, ताकि यार अपने ऊपर चढ़ते टाइम गिरे ना ठीक है, एंड उसलिए अपने यहाँ पे ब्लॉक लगाए हैं। तो यार ये वैसे सेफ्टी के लिए आप लगा सकते हो, वरना आप प्रो हो तो मत लगाना ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं तो भाई नहीं होता प्रो ठीक है, हाँ इन फ्यूचर होंगे। एंड जल्दी से यार ये करने के बाद आपसे मिलते हैं ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ऊपर एंड लिटरली सारे ब्लॉक मैंने प्लेस कर दिया है। एंड यहाँ पे आपने को छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाना है तो फिर इसको मैंने को यहाँ सीढ़ियों से ना दो ब्लॉक आगे करना है ठीक है, आप भी दो ही करना ठीक है। ऐसे करना चाहो तो तीन कर सकते हो, ऊपर की साइड तो ज़्यादा कर सकते हो बट नीचे दो ही रखना ठीक है। फिर मैं तो यार यहाँ पे भी दो ही रखूँगा ठीक है भाई, मेरा सामान इन्वेंट्री वाला सारा ऐसे ही पड़ा ठीक है, इसको सही करते हैं। पहले तो आर्मर भी लगा ही लेते हैं, पता नहीं कब गिर जाएँ अपने ठीक है। वो शील्ड नहीं रखेंगे, एक यहाँ पे ये रखेंगे, हाँ सही है ना, इसको तोड़ देते हैं यहाँ नीचे। ओके तो काम करते हैं यहाँ से, अपने चलते हैं नीचे भाई 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 भाई, अभी 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 मैं नीचे जाता। ऑल राइट, तो गाइस अपने नीचे आते हैं एंड लिटरली यहाँ से अपने को ना 7 ब्लॉक की हाइट पे, 2 3 और ये 4 ये 5 और ये 6 ये 7 यहाँ पे प्लेस करना है एंड इसको 2 ब्लॉक आगे करना है ठीक है। एक और यहाँ पीछे है ना, इसको 2 ठीक है। तो ये होने के बाद अपने सिंपली इसके ऊपर चढ़ना है एंड यहाँ से अपने को 6 ब्लॉक ऊपर करना है ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और राइट का तो ये हो चुका है एंड यहाँ पे अपने पीछे नहीं जा सकते, पीछे पीछे जाएंगे तो अपने नीचे जाएंगे ना, अपने ऊपर जाएंगे पहले। तो यहाँ से अपने को एक ब्लॉक और हाइट कर लेते हैं ठीक है। तो और यहाँ से भी अपने को 6 ब्लॉक ही करना है इसको, तो ऐसे करके ना भाई पूरा का पूरा मतलब 6 ब्लॉक तक ही होगा ऊपर तक ठीक है। एंड यहाँ से 6 ब्लॉक है एंड यहाँ पे भी इसको 2 कर देते हैं। वेट एक सेकेंड। ओके तो यहाँ पे एक ब्लॉक और आएगा एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे ये आएगा ठीक है। एंड उससे भी ऊपर आप देखो तो 6 ब्लॉक ही होगा ठीक है, इसे मैं बता देता हूँ बट वेट कोई बताने की वैसे ज़रूरी नहीं है, वैसे 6 ही होगा ठीक है। ओके तो अपना ये हो चुका है एंड सिंपली एक सेकेंड। अपने को अब क्या करना है, अपने को ना इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते ताकि अपने ऊपर आते टाइम नीचे ना जाए सीधा ठीक है। तो यार ये भी कर देते हैं ठीक है गाइस, ये हो चुका अपना। इस साइड को अपन कर देते हैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड ठीक है, इसको तोड़ देते हैं भाई। ये तो वैसे कंपलसरी नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो बट वेट एक ही ब्लॉक में आप कर सकते हो सारा काम ठीक है। एंड अब आपको चाहिए होगी टॉर्च, क्योंकि यार यहाँ पे मॉब्स भी स्पॉन हो सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली टॉर्च चाहिए होगी ठीक है। तो ओके तो ये यहाँ पे लगा देते हैं ठीक है। एंड इससे भाई अभी 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 मैं जाता ठीक है, मेरे को ना ऐसे करके जाना चाहिए एंड हर एक जो पिलर आ रहा है ना आगे की साइड उसके बिल्कुल पीछे की साइड अपने को एक एक टॉर्च प्लेस करनी है कुछ ऐसे ठीक है। एंड इससे ना आपका मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पे मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे, तो काफ़ी सही है यार ये ठीक है। एंड अब चलते थोड़ा सा नीचे, लगभग हमारा फार्म बन गया कंप्लीट हो चुका है, बस वाटर ही प्लेस करना है ठीक है। एंड एक टॉर्च अपने यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड अब अपने वाटर डालेंगे ना, बट वेट उससे पहले ना एक यहाँ पे प्लेस करते हैं और एक इस साइड को प्लेस कर देते हैं ताकि यार अपना ना अंदर की साइड भी कोई मॉब स्पॉन ना हो ठीक है। एंड दूसरी साइड भी जाके कर देते हैं, यहाँ पे आएगी एंड एक यहाँ पे है ना, गाइस ये हो चुका अपना कंप्लीट। एंड अब आ रही आती है वाटर गेट ठीक है, ये भी ले लेते हैं भाई, तो हाँ इसके अंदर भी कर ही देते हैं, अंदर आ ही गया तो कर ही देते हैं। तो यहाँ पे भी हो चुका है ये काम ठीक है। एंड आप इसको फिल कर देते हैं, इसको मतलब कि इसे करना चाहो तो कर सकते हो वैसे ठीक है, मतलब मैं तो कर ही रहा हूँ आप भी कर ही देना ठीक है। चलो इसको तोड़ देते हैं यहाँ से। ऑल राइट गाइस, तो उन्होंने ये बना दिया है एंड यहाँ पे अपने एक टॉर्च प्लेस कर देते हैं एंड इस साइड को भी एक कर देते हैं ठीक है। टॉर्च भी ख़त्म हो चुकी है, कोई इशू नहीं है वो तो ठीक है, सारा काम हो चुका है वैसे तो।
एंड अब अपने को डालना पड़ेगा इसके अंदर पानी, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे अपने कम करते हैं, यहाँ पे ना आपके अनलिमिटेड वाटर का सोर्स बना लेते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। एंड इस साइड को एक बकेट आएगी एंड इसके दूसरी साइड में दूसरे बकेट आएगी, ठीक है। सेकंड इस साइड को होल्ड, अपना वाटर बन चुका है अनलिमिटेड। एंड अब अपने को एक काम करना है, अपने को ना सर मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। अपने को जाना है इस साइड को, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने को इस कॉर्नर पे पानी प्लेस करना है, मतलब लिटरली यहाँ पे जितने ब्लॉक है ना इस साइड को, वहाँ पे हर एक ब्लॉक पे आपको पानी प्लेस करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, अपने वहाँ पे एक पे कर दिया एंड यहाँ पे दूसरे पे कर दिया है। एंड ऐसे करके अपने सारे पे वाटर प्लेस करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद आप मिलते हैं, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो ऑल राइट गाइस, अपने ये काम हो चुका है एंड लिटरली अपने को एक बकेट और चाहिए होगी, वो बताता हूँ मैं किस लिए। एंड अपने को इस साइड को आना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे की साइड अपने को एक बकेट प्लेस करनी है ताकि वो अपने हॉपर तक जाए पानी, ठीक है। एंड वेट एक सेकंड, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो तो हॉपर तक आ रहा है पानी, ठीक है। एंड अब अपने को चेस्ट के ऊपर ग्लास प्लेस करना है, एंड ग्लास मेरे पास है नहीं तो मेरे को घर से लाने पड़ेंगे, तो ये मैं लेके आता हूँ एंड फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। ऑल राइट गाइस, तो मैं घर पे आ चुका हूँ। लिटरली ग्लास तो ले लूँगा, बट एक सेकंड, यहाँ पे अपने ना सैपलिंग भी ले लेते हैं। अपने को चाहिए जंगल ऑफ डार्क ऑक और स्प्रूस, ठीक है। ये हो चुका है तीनों के तीनों। एंड ग्लास देख लेते हैं, वेट एक सेकंड, इसके अंदर होंगे होंगे तो। वेट एक सेकंड, ग्लास पैनल है ना, ग्लास नहीं है यार, अपने को ग्लास भी बनाने पड़ेंगे, इसके अंदर भी नहीं है। भाई एक काम करते हैं, अपने सैंड से ग्लास बना लेते हैं, फिर आपसे वहीं पर मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो मैं ग्लास भी बना के ले आया हूँ एंड अपने जो बोन मिल फार्म बनाया था वहाँ से लिटरली बोन मिल भी ले आया हूँ, क्योंकि यार इसको ना थोड़ा सा बोन मिल भी चाहिए होगा अपने को, ठीक है। एंड बोन मिल तो काफ़ी ईजी है यार, बोन से बन सकता है, ठीक है। तो एक सेकंड, वहाँ पे ग्लास लगा दिया अपने। एंड सिंपली आपको क्या करना है, अपने को यहाँ पे सैपलिंग ले लेते, बट सबसे पहले अपने स्प्रूस की लेंगे, तो यार स्प्रूस का भी एक इशू होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने को स्प्रूस की सैपलिंग प्लेस करनी है एंड कॉर्नर वाले किसी एक पे अपने को बोन मिल मारना है। तो अपना ट्री बन चुका है एंड जल्दी से इसको भी हार्वेस्ट करते हैं। बट हार्वेस्ट कैसे करना है, मतलब इसको कलेक्ट कैसे करना है वुड को, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एंड सिंपली आपको ऐसे ऊपर आना है, थोड़ा सा और ऊपर आना, थोड़ा और ऊपर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यार यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से अपने को पीछे जाके आगे जाके जंप करना है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आ चुके हैं यहाँ पे, बस ये कुछ इस टाइप से अपने फार्म होगा, ठीक है। एंड लिटरली यहाँ पे अपने ऐसे करके इसको तोड़ सकते हैं, काफ़ी सही है यार ये, ठीक है। तो यार ये करने के बाद आपसे दूसरी सैपलिंग लगाने के टाइम मिलते हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो मैं नीचे आ चुका हूँ, लिटरली देखो कि यहाँ से वुड जा रहा है नीचे एंड नीचे से वो देखो हॉपर तक जा रहा है एंड हॉपर से सीधा चेस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो ये इशू होता है इसका, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे ये डर्ट, मतलब कि कुछ अजीब सी डर्ट आ जाती है, आपको लगता होगा यार यहाँ पे ट्री ग्रो नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपने लगाएंगे डार्क ऑक सबसे पहले, इस पर बोन मिल मारेंगे एंड हो जा भाई, भाई इतना बोन मिल कोई खाता है क्या यार। लिटरली अपना ये भी ग्रो हो चुका है एंड ऊपर की साइड आपको ना यार सारे के सारे, मतलब कि वुड है वो सारे सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ लीव्स रह जाए कोई बात नहीं, बट वो तो अपने आप आ जाएंगे नीचे, बट वुड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैं ना थोड़ा ऊपर चले जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेकंड, मैं यार नीचे से जा सकता था यार, इतना ऊपर क्यों आया मैं, इसके ये मेरे को डैमेज पड़ेगा एक। तो गाइस ये भी अपने कलेक्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जंगल ट्री लगाने के बाद, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो अपने सारी सारा कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो ये डर्ट मतलब साफ हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जंगल की सैपलिंग लगा दी है और इस पर बोन मिल मारते हैं जल्दी से, इसको ग्रो करते हैं। भाई हो जा भाई, कितना यार बोन मिल खा रहा है यार ये, ठीक है। बेटे एक साइड अपने ना पहले सो लेते हैं यार, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। बैठ गया मेरा, जा भाई एक सेकेंड, भाई मैं बकेट क्यों मार रहा हूँ, मेरे को बेड मारना है यहाँ पे। भाई क्या ही यार अजीब बंदा हूँ मैं यार, बेड हाथ में होते हुए भी मैं बकेट मार रहा हूँ नीचे। फिर तो यार सबसे पहले अपने चलते हैं ऊपर की साइड, लिटरली जो जंगल ट्री होता है वो काफ़ी ऊपर तक जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक आ रहा है ना, गलती कर दी मैंने यार, मैं ना यहाँ से आ सकता था इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, बट मैंने सीधा जंप मार दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है यार कभी कभी, ठीक है। ऑल राइट, तो अपना यहाँ पे ना ये लॉक्स यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस अपने इस टाइप से कुछ वुड कलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी इजी है यार ये फार्म बनाना, ठीक है। एंड एक ही जगह पे सारी सारी ट्री एंड बोन मिल की मदद से यार काफ़ी जल्दी अपने वुड कलेक्ट कर सकते हैं। भाई अब तो यार काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि यार वुड की कोई कमी नहीं होगी है एंड स्टोन वगैरह खूब सारे हैं मेरे पास, डिप प्लेट भी हैं एंड बोन मिल भी बन रहा है, ठीक है। फ्यूल भी कोई कमी नहीं है एंड भाई अब लिटरली अब से ना बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है। और भाई हाँ, नेक्स्ट फार्म आपको कौन सा चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना,
एंड गाइज आपको ये फॉर्म कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइज थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जितने भी भाई माइनक्राफ्ट के प्लेयर हैं आपके दोस्त हैं उनको यार ये वीडियो जरूर से शेयर करना ताकि यार उनको भी वुड फार्म का ट्यूटोरियल मिल जाए, ठीक है। एंड गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। एंड हाँ गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो एंड पहली बार आए तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना मेरे चैनल को, ठीक है। एंड लिटरली मैंने अब तक काफ़ी सारे फार्म के ट्यूटोरियल दे दिए हैं एंड उनमें से आपको जो भी अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो आपको शायद नहीं पता होगा कि यार अपने इस वर्ल्ड के अंदर क्या करने वाले हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, अपने इस वर्ल्ड के अंदर ना एक ऐसी सिटी बनाएंगे जो कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में अब तक की सबसे बड़ी सिटी होने वाली है, ठीक है। एंड उसको देखने के लिए यार आपको सिंपली मेरे इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ना पड़ेगा, तो यार उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड अब तो यार काफ़ी मतलब कि सामान हो चुका है अपने पास, ठीक है। मतलब वुड वगैरह भी है, स्टोन भी है एंड बोन मील, कैल्प, फ्यूल सब कुछ है, ठीक है। एंड अब यार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एंड अब अपने यार बिल्ड भी करना स्टार्ट करेंगे इस वर्ल्ड के अंदर। मैं लिटरली मैंने बताया कि यार दिसंबर तक जितने सब्सक्राइबर आएंगे ना अपने इस चैनल पे तो उतने अपने इस घर मतलब इस वर्ल्ड के अंदर ना सर्वाइवल घर जैसे कि मतलब कोई भी घर होता है ना मतलब मेडिवल टाइप बनाएंगे इस सीढ़ी को। एंड भाई लिटरली जितने सब्सक्राइबर होंगे ना उतने बिल्ड करेंगे इस सीढ़ी के अंदर, ठीक है। एंड गाइस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सब्सक्राइबर का आते हो, ठीक है। एंड देख सकते हो यहाँ पे वुड भी काफ़ी सारा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी काफ़ी सही है एंड ऊपर से लिफ्ट वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज फाइनली अपना वुड फार्म बन चुका है। एंड गाइज मैं बता रहा था कि यार अगर आपको टॉप 5 बेस्ट शेडर पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताओ।